हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीरियल नंबर के बारे में। जैसे कि हम सीरियल नंबर को कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अबाउट डिवाइस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको इधर की साइड ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और स्टेटस वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है सीरियल नंबर। तो यहाँ से अपना सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका हमारे पास, उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग पे जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्च वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आपको यहाँ पर क्या सर्च करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सीरियल नंबर। तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपना सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं इस तरीके से और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि और भी सेटिंग है, जैसे कि IMEI नंबर है, यहाँ पे ब्लूटूथ बैटरी लेवल है। जैसे कि आपने यहाँ पर बैटरी लेवल शो नहीं कर रखा है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। बैटरी स्टेटस है, सिम कार्ड स्टेटस है, इस तरीके से आप इन सारी सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए PC से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।